अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अर्ज़ है, केमना चो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, क्योंकि सहाना और उनके मम्मी आंटी जी के वहाँ से कोई मुझे कॉल वगैरह नहीं आ रहा था। पता नहीं वो कहाँ चले गए थे, क्या नहीं है। तो क्योंकि मैं अभी 2-3 कल या हाँ कल आया था उनका कॉल, तो मैंने पूछा कि सहना जी और आंटी जी कहाँ चले गए थे, आप तो आपका टावर भी नहीं लग रहा था, पता नहीं कहाँ चले गए थे। वो बोले बेटा हम गए थे कुछ टूर की वजह से, टूर गए थे तो इस वजह से वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ पे तो है ना वो क्या बोलते हैं टावर नहीं था। मैं बोला चलो ठीक है, टावर नहीं था तो कम अज़ कम कॉल तो कर लेते, तो व्हाट्सअप और वो इंस्टाग्राम सब कुछ बंद था उनका। तो मैं बोला चलो ठीक है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, चक्कर लगता है उनके मम्मी जी को या पापा जी को या कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, क्योंकि ये जो रिस्ट वॉच है आपने जो देखा था तो ये उन्हीं ने भेजा था ना, तो इसके बारे में शायद लगता है अंकल जी को पता चल गया होगा, ठीक है ना। इस वजह से वो शायद ऐसे ही झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, तो फिर बाद में पता चला कि नहीं अंकल जी को हमने सब कुछ बता दिया है। तो फिर मैं बोला चलो सही है, अंकल जी को जब आपने बता दिया है तो फिर डरने की क्या बात है, ठीक है ना। अंकल जी तो अंकल जी ही है ना, जब ससुर जी हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। अंकल जी क्या करेंगे जब उनकी बेटी खुद अपने से अच्छा सा रिलेशन रखा और सब कुछ किया, तो फिर ये अंकल जी तो फिर ड्रामेबाज नहीं हो सकते। अंकल जी को भी हम पसंद आ गए, क्योंकि थे वैसे रमेश जमाई राजा, ठीक है ना। तो क्या हम बुरे तो हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। तो अगर हम बुरे हैं तो फिर ये सहना जी हमसे क्यों चक्कर चलाई, नहीं है ना। तो हम सही हैं, जभी तो ये सहना जी हमसे चक्कर चलाया, सब कुछ किया और जमाई राजा को फंसाया, ठीक है ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वो फिर अंकल जी को जब पता चल ही गया है तो फिर डरने की क्या बात है, सही है ना। अंकल जी भी हाँ कर दिया है, अब पता नहीं घर कब इनवाइट करेंगे, कब दावत देंगे, ये सब कुछ है ना ड्रामे बाजा। ये कनार दो बीमार के कामा, ये ड्रामे बाजा हैं, ये सब कुछ है ना कब तक चलता रहेगा हमको तो पता नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने उनके घर पे बुलाएंगे तो जब ही जाएंगे ना हम, बिना दावत दिए बिना कुछ करे के हम कैसे जाएंगे, बताइए आप, नहीं जाएंगे ना। तो जब बताएंगे तो जब ही जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे वो फिर है ना हम ऐसे ही पता वता तो हमने दिया, उनका पता भी तो हमारे पास आ गया है ना। जब वो पता आ गया है ये ना समझना कि ऐसे ही उठे चले गए, अगर चले जाएंगे तो फिर वो लोग क्या समझेंगे, बताइए आप, नहीं जाएंगे ना। जब वो बुलाएंगे तो जब ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही जाना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब बुलाएंगे जब जाएंगे तो जब ही अच्छा लगेगा। अगर ऐसे ही बिना बोले जब उनका पता ढूंढा, बस या प्लेन चढ़े या ट्रेन चढ़े कुछ भी करे, जब चले जाएंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा ना। तो इसी वजह से हम भी है ना उन वो बुलाने की चक्कर, या वो बुलाएंगे तो जब ही जाएंगे, क्योंकि जब वो नहीं बुलाएंगे जब तक तो हम जाएंगे नहीं। अरे वाह, गुड आइडिया। क्योंकि अगर हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, जब अच्छा लगेगा तो उनको उनके दिल में खुद आना चाहिए कि सहना की मम्मी और उनके पिताजी और उनके रिश्तेदार सब कुछ वो देखेंगे, और सहना जी का जब वो खुद बोलेगी कि आपके जमाई राजा को बुला लो, एक दिन दावत दे देंगे, या हम दोनों क्या डेट पे जाएंगे, बैगन जाएंगे, लहसुन जाएंगे। डेट पे कहाँ जाओगे, मैरिज के डेट पे या कहीं और के डेट पे। तो ये क्या, तू है कौन? वो इस वजह से जब तक हमारा टाइम नहीं आ जाता, जब हम दोनों मिलके वहाँ पे नहीं जाते, वो बुलाएंगे नहीं जब तक हम नहीं जाएंगे ना, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। आप लोग समझ जाइए, जब वो बुलाएंगे तो जब ही जाएंगे हम, बिना बोले बिना जाना ये सब कुछ करना अच्छी चीज़ नहीं है, सही है ना। आप तो ये लोकेशन देखकर समझ गए होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या नहीं है। ये देखिए पानी भी जा रहा है यहाँ पे, अभी नदी में पानी भी आ गया है,
तो अभी बहुत ही अच्छा लोकेशन दिख रहा है, देखिए बीचों बीच समंदर में इतना मज़ा आ रहा है ना, ये देखिए कितना पानी है यहाँ पे, तो बहुत ही पानी पानी है। जहाँ से मैं अभी बैठकर शूट कर रहा हूँ, ये इवनिंग का टाइम है, तो इतना ज़बरदस्त है ना लोकेशन यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आता है वीडियो शूट करने में। तो मैं इसी टॉपिक में बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर ये सहाना जी की जो मम्मी और आंटी है, पता नहीं उनके खाला, पता नहीं कौन, बैगन लहसुन सब कुछ हैं, तो ये सब कुछ है ना, ये पता नहीं ये सब कुछ अगर आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, ये फिर मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि ये लव, ये बैगन, ये लहसुन, ये सब है ना फालतू के ड्रामे के चक्कर आए, क्योंकि लव, ये लव करना, ये मोहब्बत करना, ये सब घंटा करना, ये बैगन करना, ये सब है ना बेकारी की ज़िंदगी का मामला है। अरे कहना क्या चाहते हो, समझ गए ना आप लोग, क्यों, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कुछ है तो चल रहा है, कुछ कर रहे हैं तो ये सब कुछ ठीक है, अगर ऐसे ड्रामेबाज के लोगों को ऐसा सब कुछ करना है ना, ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये सब करने वाले जो फालतू लोग होते हैं ये सब है, तो मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि फालतू लोगों कुछ हूँ, तो ये मैं फंस गया हूँ, तो मेरी फंसने की स्टोरी तो मैंने आप लोगों को बता ही रहा हूँ, क्योंकि ये फंसने का चक्कर ये सब कुछ है ना, मैं खुद ही फंस गया हूँ सहाना जी के पास, तो क्या करूँ बताओ, जब मैं भी एक क्रिएटर हूँ तो मुझे भी कुछ सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के बिना तो चलता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं बोला चलो इंस्टा पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ चक्कर चलाते हैं, तो मेरे पोस्टा वगैरह फ़ोटो वगैरह जब मैं वहाँ पे पोस्ट कर रहा था तो बेचारी वहाँ से मुझे मिल गई, तो मिलना मिलना था ये जो रिस्ट वॉच है ना, ये सब कुछ गिफ्ट में आ रही है, अब पता नहीं ये रिस्ट वॉच भी गिफ्ट में आ गई है, अब सब कुछ आएगा, अभी पता नहीं क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं है, ये सब बाद में देखा जाएगा, जब आएगा तो मैं ओपनली बोल दूँगा कि मैं सहाना जी की मम्मी ये सब कुछ भेजा है मुझे, तो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल मैं आप लोगों को ओपन करके बता दूँगा, ठीक है ना। और जो 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 भी गिफ्ट आएगा, जो भी गिफ्ट आ रहा है वो सब कुछ है ना, मैं आप लोगों के सामने ओपन करके बताऊँगा कि हमारी आंटी जी जो सहाना की मम्मी, हमारी सासू माँ, जो सासू माँ होती हैं, तो वो हमको क्या क्या भेजती हैं क्या क्या नहीं भेजती हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को है ना एकदम ओपन तरीके से मैं वो आपको जैसे रिव्यू करते हैं ना उस प्रकार का मैं आप लोगों को राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो बता दूंगा, क्योंकि बताना अच्छी चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि अंदर उठाया रख लिया और कुछ बोला नहीं है, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, मैं आराम से आप लोगों को मैं बताऊंगा सब कुछ करूंगा, क्योंकि ये सब ड्रामेबाज के ये सब कुछ है ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है ना। देखो मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे नदी में जा रहा है पानी, अभी तो पानी आ चुका है, तो अभी तो गर्मी बहुत ज़ोर से है, तो धूप भी है सब कुछ है, तो फिर भी है ना हम यहाँ पे आए थे इवनिंग के टाइम में, मैं बोला सहाना जी का कुछ टॉपिक और बढ़ा देते हैं और कुछ बोल देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ढलता हुआ सूरज आप लोगों को एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये देखिए अब दिख नहीं रहा है, ये देखिए कितना मज़ेदार है यहाँ पे ढलता हुआ सूरज, ये ज़बरदस्त है। तो अभी इवनिंग हो चुकी है, तो इवनिंग के टाइम में ऐसा ही वीडियो शूट करना बहुत ही मज़ा आता है, ये देखिए अपोजिट में आएंगे तो ये कलर आएगा और बहुत ही मज़ा आता है, और मॉर्निंग और क्या बोलते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में जो वीडियो शूट होते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है, ऐसे ऐसे स्टोरियाँ ड्रामेबाज के नाटकबाजियाँ लव स्टोरियाँ, ये लव मोहब्बत ये सब कुछ है ना फालतू के लोगों की चीज़ें हैं, लव ये सब कुछ फालतू के चीज़ें हैं, सोच रहे तेरी मानना पड़ेगा, मगर क्या करें दोस्तों आपको तो बता ही दिया ना, फंस चुका हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, ये सब करना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, आपने तो ये आज का ये स्टोरी भी सुन लिया है कि मैंने जो बताया था आपको, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से मेरी वीडियो देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये वीडियो ये स्टोरी कैसी चल रही है, तो आपके सपोर्ट के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही ये सब कुछ आगे जाएगा।
तो प्लीज लाइक करें लाइक करें लाइक करें, लाइक करना ना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक करें जरूर से और कमेंट करके जरूर से बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।